guys, मैं हूँ छवि मित्तल and welcome to Being Woman with Chavi. A lot of you asked me. Yes. A lot of you asked me कि cot setup करते time कौन-कौन सी चीजें important होती हैं. So today's video is all about what are the cot essentials. Okay, go. So today's video is all about what are the cot essentials. And before I start, please subscribe to Being Woman with Chavi. So the first thing to consider is कि आपको cot कौन से साइज का लेना है. तो जब मैं cot की शॉपिंग करने निकली थी तो मैंने दो sizes के cots देखे थे. One was a smaller one and this was the bigger one. So this is 4 feet by 2.5 feet. मेरा ऐसा मानना है कि baby cot में जब तक है तब तक safest है because turn लेगा तो गिरने का डर नहीं है. इसलिए मैंने बड़ा cot लिया ये सोचकर कि जब तक रह सकता है cot में रहेगा and when he starts growing out of the cot is when I will transfer or shift him to a toddler bed. इसलिए मैंने ये बड़ा cot लिया. और mostly आप देखोगे कि cots में at least दो levels तो आते ही हैं. Level मतलब height adjustment का level. So when Aram was born 0 to 3 months, I think till about 4 months maybe, this cot was at this level, which was the highest level. अब इसका क्या फायदा होता है कि एक तो बेबी उस टाइम हिलता नहीं है. आप जिस पोजीशन में बेबी को डालोगे कॉट में वो उसी पोजीशन में सोएगा, तो आपको एकदम नीचे डालने की ज़रूरत है नहीं, राइट. एंड सेकेंड रीजन इज दैट अ मदर इज ऑल्सो रिकवरिंग एट दैट टाइम. पोस्टपार्टम बॉडी इज हीलिंग एंड यू नो यू नीड टू पिक अप द बेबी सो मेनी टाइम्स इन द डे फॉर ब्रेस्ट फीडिंग. आप उठाते हो फिर वापस डालते हो फिर उसको डायपर चेंज करने के लिए उठाते हो फिर बेबी रोता है तो फिर से उठाते हो, यू नो ऑल दोज थिंग्स. उसके हिसाब से भी जो हायर लेवल है वो बहुत कन्वीनियंट होता है. एंड ऑल्सो अगर आप कॉट को अपने बेड के साथ में सेट करना चाहते हो तो ये हाई लेवल आपके बिल्कुल बेड के लेवल पे आ जाता है. सो यू कैन जस्ट आई शो यू कैन जस्ट पुट दिस थिंग डाउन. तो ये बिल्कुल आपके बेड के लेवल के साथ ही आ जाता है. ओके, नाउ इन माई केस आई हैड सेट अप द कॉट इन अरहम्स रूम फ्रॉम डे वन. सो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका मैंने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखा था कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अरहम के लिए बिल्कुल सेफ हो. सो द फर्स्ट थिंग वॉज मैट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी द करेक्ट डेंसिटी क्योंकि बेबी जो है उसकी स्पाइन बहुत ही सॉफ्ट होती है एंड ही इज कॉन्स्टेंटली डिवेलपिंग. द बोन्स आर डिवेलपिंग, दे आर फॉर्मिंग, दे आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि बेबी का स्पाइन स्ट्रेट रहे मैट्रेस के ऊपर, अदरवाइज Not okay. So, मेरे इस cot के साथ mattress साथ में ही आया था, which was very nice. It's a 2-inch thick mattress and I really like it, so I didn't change it. Second thing is the cot sheet. अब जो sheet है वो शुरुआत में तो फर्क नहीं पड़ता है. आप चाहें तो normal जो बड़ी बड़ी bed sheets होती हैं वो भी आप ऐसे fold करके mattress के नीचे अच्छे से लगा सकती हैं, but I chose to invest in these fitted sheets. ये वाली जो sheets होती है ना, ये fitted sheets होती हैं जिसके around elastic लगा होता है. So ये बिल्कुल अच्छी तरह से mattress के ऊपर fit हो जाती हैं. उससे क्या होता है that when the baby is growing up, धीरे धीरे the baby starts to grab things. और अरहम के केस में क्या होने लग गया था कि वो ऐसे चादर उठाकर एंड ही यूज्ड टू कम्प्लीटली टेक इट आउट. तो उसमें एक खतरा ये होता है कि कभी कभी बेबी पूरा एंटैंगल हो जाता है चादर के अंदर. उसने ज़्यादा और कुछ नहीं होगा बट ही माइट फील रियली रियली हॉट एंड ही माइट बाई मिस्टेक पुट द चादर ऑन हिज हेड एंड यू डोंट वॉन्ट टू टेक दैट चांस. तो फिटेड शीट्स आर वेरी वेरी सेफ फॉर अ बेबीज कॉट. और मैंने ऐसी 2-3 चादरें ही ले रखी हैं, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती. एक वॉश में जाती है तो तब तक दूसरी लग जाती है मैट्रेस के ऊपर. एंड आई थिंक आई वॉश देम अबाउट नॉट मोर देन वंस अ वीक अनलेस दे गेट डर्टी. अब शीट के साथ साथ द अदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इन अ कॉट इज अ मैकिंटोश. आई विल शो यू व्हाट अ मैकिंटोश इज. इट्स समथिंग दैट आई हैव पुट अंडर द शीट विच इज दिस प्लास्टिक. इसको हिंदी में बोलते हैं मोम जामा. मोम जामा बोलते हैं ना. या आई थिंक सो. सो ये मैंने लगा रखा है ताकि जस्ट इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट, यू नो बेबी गलती से सुसु कर दे कॉट के अंदर या डायपर लीक हो जाए. और अरहम के केस में वो डायपर्स दिन में तो बिल्कुल नहीं पहनता है तो कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं सोते टाइम. तो उस सुसु जो है वो मैट्रेस के अंदर नहीं जाता है एंड द मैट्रेस डजंट स्टार्ट स्टिंकिंग. बिकॉज अगर ऐसा होता है देन यू नीड टू यू नो यू कैन वॉश द मैट्रेस बट यू नीड टू एयर इट आउट एंड सन इट आउट. और मैं तो छोटे से फ्लैट में रहती हूँ, यहाँ हमारे घर में तो धूप पूरा दिन नहीं आती.
तो सन आउट करने का तो कोई चांस ही नहीं है. सो आई हैव टू प्रोटेक्ट माई मैट्रेस एज वेल एज आई कैन सो दैट मैकिंटोश रियली कम्स इन हैंडी. और उसके ऊपर ये फिटेड शीट आ जाती है तो उसके निकलने का भी कोई खतरा नहीं रहता. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देन द अदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस बम्पर. इसको बोलते हैं कॉट बम्पर. ये जो ये चारों तरफ कॉट में रहता है और ये कॉट के लेवल के हिसाब से आप इसको ऊपर या नीचे टाई कर सकते हो. और इससे क्या होता है दैट बेबी जब किक करने लगता है ना तो उसको जोर से चोट नहीं लगती है. ही इज प्रोटेक्टेड बाय दिस बम्पर. ओके. और रेलिंग में कभी कभी यहाँ पे क्या है उसका पैर फंसने का डर रहता है व्हेन द बेबी इज यंगर. ओके, लाइक मच यंगर एज इन 6 months, 8 months तक, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. राइट नाउ अरम इज 15 months ओल्ड एंड आई डोंट थिंक ही रियली नीड्स द बम्पर, बट ही रियली लाइक्स इट क्योंकि सोते टाइम वो अपना पैर ऐसे इधर रख के सोता है और कभी कभी इसको इसके साथ खेलता भी है. सो आई लेट हिम बी, बट द मिनट आई फील दैट दिस इज यू नो डिस्ट्रैक्टिंग हिम टू मच देन आई टेक इट अवे फ्रॉम द कॉट एंड देन ही कैन स्लीप ऑन हिज ओन. देन दिस इज समथिंग, ये जो है ये एक अटैचमेंट है जिसके ऊपर मस्कीटो नेट लगता है. तो व्हेन अरम वाज बॉर्न तब मैं ये मस्कीटो नेट पूरा ऐसे कॉट के ऊपर लगा के रखती थी बिकॉज उस टाइम अरम बिल्कुल हिलता नहीं था. लेकिन मैंने रियलाइज किया कि व्हेन ही टर्न्ड अबाउट 8-9 months ही स्टार्टेड पुलिंग दैट नेट और वो लेके पूरा आसपास ऐसे लपेटने लग गया था. सो देन आई रिमूव्ड इट बिकॉज देयर इज नो पॉइंट. वो बंद तो रहता नहीं था तो मच्छर से तो कोई फायदा बचाव होता नहीं था. लेकिन मुझे रिस्की लगता था कि अरम के मुंह में नहीं जाए या कहीं गलती से बाइट ना कर ले बिकॉज वो बहुत पतली सी नेट होती है. सो आई रिमूव्ड इट. और आपने बहुत बार कॉट्स में देखा होगा एक वो टॉय जो लटका रहता है और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है समवॉट लाइक दिस. जैसे ये डंडा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे समझो वो कॉट मोबाइल उसको बोलते हैं जो गोल गोल घूमता है. वो क्यों होता है? सो व्हेन द बेबी इज रियली स्मॉल, यू नो, छोटू एकदम 0 to 3 months, 0 to 4 months, तो उस एज में क्या होता है कि बेबी की जो आईसाइट होती है ना वो बहुत विजन क्लियर नहीं होती है, उसको सब ब्लरी ब्लरी दिखता है. और वो अभी भी अपनी विजन जो है डेवलप कर रहा होता है. ही स्टिल डेवलपिंग दैट अबिलिटी टू फोकस ऑन थिंग्स. सो व्हेन ही सीज योर फेस एट दैट एज ही कैन ओनली सी अ ब्लर्ड इमेज ऑफ योर फेस एंड इट टेक्स हिम 3 to 4 months टू एक्चुअली फोकस ऑन योर फेस टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज माई मदर, दिस इज माई फादर. सो वो जो कॉट मोबाइल होता है एट दैट एज व्हेन यू पुट द बेबीज हेड हियर एंड द कॉट मोबाइल इज हियर, वो बेबी बहुत ही डायरेक्टली उस कॉट मोबाइल को देखता रहता है. उसको बहुत समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, बट ही नोज दैट देयर इज समथिंग हियर एंड इट्स मूविंग एंड ही इज बेसिकली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड हिज अटेंशन गोज देयर. तो उससे क्या होता है, बेबी का वो जो फोकस है वो डेवलप होने में मदद मिलती है. नाउ अगर उसको कोई ऐसी चीज दिख रही है जो इधर उधर कहीं पड़ी हुई है देन हिज आई बॉल्स विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू दैट साइड एंड दैट कैन बेसिकली उसकी जो अलाइनमेंट है फोकस की वो खराब हो सकती है. विच इज़ वाई समटाइम्स वी सी मेनी बेबीज हु डिवेलप अ स्क्विंट एट अ वेरी यंग एज. उसको करेक्ट करने में फिर अलग से टाइम लगता है. सो फॉर दैट दैट कॉट मोबाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ये भी जरूरी है कि कॉट मोबाइल को करेक्ट टाइम पर कॉट से निकाल दिया जाए. दिस इज अबाउट द टाइम वेन द बेबी स्टार्ट्स टू टर्न. सो 4-5 months, सम बेबीज टर्न इट 6 months. तो जब वो टर्निंग शुरू हो जाती है तब वो कॉट मोबाइल हटा देना चाहिए बिकॉज जस्ट इन केस बेबी हैज टर्न्ड एंड ही स्टिल वांट्स टू फोकस ऑन द कॉट मोबाइल देन दैट्स नॉट द वेरी नॉट द बेस्ट पोजीशन दैट वी वांट द बेबी टू बी इन. इसलिए 3-4 महीने तक अच्छा है, उसके बाद उसको आउट कर दीजिए. ऑल्सो क्या होता है उस एज पे बेबी थोड़ा बैठने भी लगता है, यू नो ही स्टार्ट्स टू सिट डाउन एंड देन ही प्रोबेबली माइट ट्राई टू ग्रैब ऑन टू दिस थिंग विच इज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज रीच बाय द वे, बट वो गिर सकता है, ही कैन हर्ट हिज हेड और समथिंग लाइक दैट. इसलिए उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हटा देना चाहिए. आपने राई तकिए के बारे में भी सुना होगा, अ मस्टर्ड सीड पिलो. वो क्यों होता है? सो दैट इज अ पिलो जिसके अंदर बेसिकली मस्टर्ड सीड्स फिल्ड होते हैं, राई फिल्ड होती है, ताकि बेबी का हेड जब आप उस कुशन पे रखें तो एक छोटा सा डेंट बन जाए और वो पिलो जो है वो बेबी के हेड की नेचुरल शेप ले ले, ताकि द बैक ऑफ द हेड टर्न्स आउट टू बी राउंड. क्योंकि उस टाइम बेबी का हेड भी फॉर्म हो रहा होता है. दिस इज हैपनिंग एट द एज ऑफ फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 3 व्हेन द नेक इज नॉट कम्प्लीटली सपोर्टेड येट. लेकिन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अगेन कि व्हेन द बेबी स्टार्ट्स टर्निंग यू रिमूव द पिलो आउट ऑफ द कॉट, क्योंकि अगर गलती से बेबी टर्न कर जाए
और गलती से चू करने लग जाए पिलो को, और जस्ट इन केस वो थोड़ी बहुत राई उसके मुंह में चली जाए, इट कैन बी अ चोकिंग हैजर्ड. सो दैट्स व्हाई द राई पिलो शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉट एज सून एज यू फील द बेबी हैज स्टार्टेड टर्निंग. अब आप मुझसे पूछोगे कि अगर बेबी कॉट से क्रॉल करके बाहर गिर जाए तो, सो दैट इज अ वेरी वेरी ब्लीक पॉसिबिलिटी. इनफैक्ट मुझे नहीं लगता मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है. लेकिन देर आर सर्टन साइंस टू वॉच आउट फॉर इन दिस. ओके, अब जब अरहम जब बैठने लगा था ना, तो मैंने कॉट का लेवल फर्स्ट हाईएस्ट लेवल से नीचे करके सेकंड लेवल तक ले लिया था. लेकिन जैसे ही वो खड़ा होने लगा तो मैंने उसका लेवल और डाउन कर दिया, ताकि वो बिल्कुल अभी वो यहां तक आता है. सो बेसिकली हिज हेड इज अ लिटिल अबव द रेलिंग. ओके, तो देयर इज नो चांस इन द वर्ल्ड दैट ही कैन क्रॉल आउट ऑफ द कॉट, नॉट दैट ही ट्राइज. बट ये एक साइन है जो मैं बिल्कुल ध्यान देने वाली हूँ इस चीज पे, कि जैसे ही मुझे लगेगा कि वो कॉट के इस लेवल के ऊपर अपना पैर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ऐसे करके कॉट से बाहर कूद जाए, दैट इज द टाइम आई विल शिफ्ट हिम टू अ टॉडलर बेड. एंड थैंकफुली दिस कॉट इज रियली अमेजिंग, बिकॉज ये ऐसे खुल जाता है और यही टॉडलर बेड बन जाएगा, और अरहम इसी में सो सकता है विदाउट द फियर ऑफ हिम फॉलिंग आउट. अब वॉट इज द राइट टाइम टू शिफ्ट द बेबी फ्रॉम द कॉट टू द टॉडलर बेड? इसमें एक चीज तो मैंने आपको बताई कि जब आपको लग रहा है कि अब बेबी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यू नो दिस हैपन्स समवेयर अराउंड 1.5 to 2 years. रीजा स्टार्टेड ट्राइंग टू डू दैट एट 2 years, बट अरहम आई थिंक विल बी रेडी एट 1.5 फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट. तो 1.5 साल पे शायद मुझे उसको शिफ्ट करना पड़े. आई टेक दैट कॉल when इट्स द राइट टाइम. बट द सेकेंड साइन टू लुक फॉर इज जब आपका बेबी आपके बेड से नीचे उतरना सीख जाता है, मतलब ही इज काइंड ऑफ रेडी टू बी शिफ्टेड इन टू अ टॉडलर बेड. क्योंकि बेबीज ऐसे उल्टा होकर ऐसे स्लाइड डाउन करके उतरते हैं, लेकिन उससे जब उनको नहीं आती ये स्किल, तब वो हेड फर्स्ट नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, विच मीन्स दे विल डेफिनेटली फॉल एंड हिट द हेड ऑन द फ्लोर. दैट इज नॉट द राइट टाइम टू शिफ्ट अ बेबी टू अ टॉडलर बेड. बट येस, वेन ही डेवलप्स द स्किल टू गेट ऑफ द बेड ऑन हिज ओन, मीन्स ही इज काइंड ऑफ रेडी. तो आप देख रहे हो कि मैंने कॉट के अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा है, बिकॉज व्हेन द बेबी इज अलोन इन द कॉट, वी डोंट वांट हिम टू पुट वियर्ड थिंग्स इन हिज माउथ, भले वो एक सिंपल सा सॉफ्ट टॉय क्यों ना हो. यू नो, यू डोंट वांट टू, एक तो डिस्ट्रैक्ट द बेबी, और दूसरा आपको नहीं पता कि वो उसको मुंह में लेके क्या करने वाला है. सो इट्स बेस्ट टू जस्ट कीप द कॉट फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड इट. इट्स द सेफेस्ट. Another thing that I want to talk about is blankets. Same logic, जो बेडशीट का logic था, कि जब baby के हाथ में चीज़ें आने लग जाती हैं, तो फिर वो चादर भी अपने ऊपर क्यों रखेगा? वो तो उसको हाथ से ले लेगा और उसके अराउंड रैप भी कर सकता है, टर्न करते टाइम मुँह में ले सकता है, यू नो. तो वो चांस है जो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ, बिकॉज अरहम स्लीप्स ऑन हिज ओन इन हिज ओन कॉट इन हिज ओन रूम. सो जस्ट टू बी एब्सोल्युटली सेफ कि वो रात को सोते टाइम उसके ऊपर एक पतली सी चादर है भी, लेकिन ऐसी भी नहीं है जो वो मुंह में ले सके या अपने अराउंड रैप कर सके, इसलिए आई हैव गॉट दी स्लीप सैक्स. ओके, इट्स जस्ट अ जिप, इट्स बेसिकली चादर आपने बच्चे को पहना दी वैसा एक स्लीप सैक है, और ये बहुत लूज है एंड इट्स मेड ऑफ अ नाइस पतला टी शर्ट वाला फैब्रिक. तो गर्मी लगने का भी कोई चांस नहीं है, सफोकेशन का कोई चांस नहीं है. अब ये सब मैंने आपको बताया, सो यू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. एंड ऑल्सो अनदर थिंग विच आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट इज, मैं हर दो दो तीन तीन घंटे के बाद उसके रूम में आके टेम्परेचर ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि कॉट के अंदर, बिकॉज द लेवल इज़ नाउ द लोएस्ट, समटाइम्स पंखे की हवा ठीक से उसको लग रही है कि नहीं लग रही है, एसी बहुत ठंडा गर्म तो नहीं है, चलाना है या बंद करना है, पंखा कितनी स्पीड पे रखना है, वो सब चीज़ों का मैं जजमेंट लेती हूँ व्हेन आई टच हिज हेड. इफ़ ही स्वेटिंग अलॉट देन आई इंक्रीज द फैन. अगर उसको ठंडा है सब कुछ, देन आई फील ओके फाइन, टेम्परेचर इज़ फाइन. नाक बहुत ठंडी है, देन आई नो कि टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रख सकते हैं तो कॉट में आपका बेबी बिल्कुल सेफ रहेगा. I hope these things helped you, or I know that decision to shift your baby to a cot or to set up your baby in a cot in the baby's room or in your own room is a very big decision, but thodi si mindfulness agar aap rakh sakti hain
then it's not such a difficult one. And I hope these tips helped you. And if they did, please give me a like and share this video with whoever you think it might benefit. And subscribe to Being Woman with Chavi. I'm going to tell you a lot more about my own experiences about parenting and about fitness. This is me signing out. Love and peace from me to you.